Did you get ready in the dark or something? आज मैं दिखाता हूँ दोबारा अपने बालों का स्टेटस। ये रहा मेरे बालों का स्टेटस। ऑलमोस्ट बाल थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, मैंने कटाया नहीं है। दाढ़ी मैंने कम कर लिया है, दाढ़ी का बाल एकदम मोटे हैं लेकिन सर का बाल कम है। मेरा बाल धीरे धीरे रुक रहा है, उनकी बाल जो झड़ रहा था वो थोड़ा बहुत रुका है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। बाल बचाना ज़रूरी है, टेंशन ना ले, अच्छा प्रोटीन खाएँ, फाइबर खाएँ, खजूर खाएँ, सोयाबीन खाएँ, बादाम खाएं, और क्या बोले तीसी होता है जिसको फ्लैक्स सीड बोलता है वो सब खाएं, बाकी सब डॉक्टर ही बताएंगे। और आप यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं, यही है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उबला हुआ अंडा खा सकते हैं आप, और गुड़ खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, और डिफरेंट टाइप का भीगा हुआ किशमिश खा सकते हैं। ये सब आपको सूटेबल होगा आपके बाल को बचाने, मजबूत रखने के लिए। अब जेनेटिक प्रॉब्लम हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मेरा तो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं था, किसी का बाल कभी भी हो सकता। अभी एक मैंने एक बच्चे को देखा जिसका पूरा सर का बाल, क्योंकि उसका उम्र मेरे हिसाब से 12-13 साल भी नहीं होगा, उसका पूरा सर का बाल पूरा उड़ा हुआ, वो पूरे सर में पूरा वो बैंडेज करके आया, मतलब कि ब्लैक कलर का जो कपड़ा होता ना वो। सोच रहे मतलब कि कितना एक शर्मिंदगी वाला बात होता है एक बाल का झड़ना। एक उम्र में अगर झड़े तो सही बात, लेकिन इस टाइम में अगर बाल झड़े तो बहुत शर्मिंदगी लगता है। तो आप भी बाल बचा लेना, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे, जैसे मैं कहीं का नहीं रहा। ये आज का दिन काफ़ी ओके ओके है, मैं डरा सा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। अब वीडियो शूट करने का मेरी मन नहीं कर रहा, बहुत थका हुआ लग रहा हूँ। चलो सुबह से जो मेहनत हुआ है आज कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद घर में जाके बस खाना खा के अब सोना है। नहीं, एक दोस्त से मिलना है, उसका भगवान दोस्त के साथ मंदिर जाना है, मंदिर जाने के बाद घर आना है, घर आके खाना पी के खाना और खा के सोना है। उसके बाद कल सुबह संडे को देखते हैं क्या होता है, संडे को काम पे जाना ही होगा। बाय बाय।